हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो हेलो, यू आर सो प्रीटी। ओह थैंक यू, फैंटास्टिक, यू आर डूइंग फैंटास्टिक। शायद साहब कहाँ था आप बोलते हैं कॉल, प्लीज कॉन्टेक्ट नंबर एंड सेंड यू जल्दी जल्दी। तुम्हारी क्यों नहीं कनेक्ट हो रही है कॉलिंग की? हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं, डरे नहीं, मैं खाऊंगी नहीं आपको। ओके, कादिर खान, ये भी कादिर खान आए थे हमारे पास यार, कहाँ चले गए आप से नहीं हुआ। शाहिद जी आए थे, दोबारा बात करते हैं। शाहिद खान आए थे, तो जी एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, थोड़ा डांस करेंगे हम। चाय जी वापस, आप मुबारक हो वापसी आपकी। दिखाइए दिखाइए थोड़ा मसल्स, दिखाइए अपने मसल्स। ओह हो, डोले शोले, यहाँ तो डोले शोले बने हुए हैं। अच्छा, तो आप कौन सी एक्सरसाइज करके दिखाएंगे जो आपकी सबसे फेवरेट है? मैं आपके साथ करूंगी, नहीं करूंगा, आपसे नाराज हूँ। नाराज तुमने थोड़ी देर पहले वो अंकल जो था 65 साल का बुढ़ा क्या कह रहा था कि आज के लड़के जो है कमजोर हैं। वाह, आप नहीं थे ना, आज सारे लड़के थोड़ी। थैंक यू फॉर द 100 डॉलर्स, थैंक यू सो मच। वाह, देखिए सारे नहीं ना, मगर आज आपको तो बताऊंगा, नहीं खुद बताए, आपको नहीं लगता आज के जो आजकल के लड़के है ना वो पुराने बुड्ढो से बड़ा खिलाड़ी है। अच्छा कैसे, आप भी? अच्छा ठीक है चले, वो अंकल ने सर पे खड़े होकर दिखाया, आप भी सर पे खड़े होकर दिखाओ। नहीं बात वो नहीं है, पता क्या इसने बहुत गलत बोला है। नहीं मगर मैं खुद देखती हूँ, सुनो मैं खुद बताती हूँ कि मैं अभी 40 की हूँ, तो मुझे याद है कि जब मैं 20 में 25 उसमें होती थी ना, तो सब मर्द जो थे ना उनके अंदर वो एक मर्द वाली चीज होती थी कि वो बहुत कमजोर कमजोर लड़कियों जैसे नहीं होते थे, विच इज नथिंग रॉन्ग विद इट, मैं ये नहीं कह रही, मगर वो बहुत ही मम्मी के बेबी जैसे हो गए, मम्मी बॉयज, यू नो, पहले ऐसे नहीं होते थे, जरा सख्त होते थे, यू नो, तो मैं वो हम लोग वो बात कर रहे थे। और ये है, सब नहीं है मगर है, मगर आप नहीं है ना, आप दिखाइए। नहीं चले, आप भी सर के बल खड़े होकर दिखाइए, आप उनको रॉन्ग प्रूव कर दो, उनको रॉन्ग प्रूव करके सर में खड़े हो जाओ। आजकल के लड़कों से बच के रहना, चाहे आंटी हो या लड़की हो। आप ट्राई कर देते हो? सलाह चला के वो आजकल के वो चला। यार देखिए वो आजकल के बंदे आए थे 28 के हैं, वो उन्होंने आज तक अपना हिलाया नहीं है सामान, अब वो क्या करेंगे अगर उनको लड़की मिल भी जाती है, मुझे खुद बताओ। नहीं नहीं यार, पाकिस्तान में तो सब ऐसे के सेक्स करने में माहिर हैं। माहिर है लो, ये कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हो आप, जो हर चीज में तकड़ा है, काम में या दिन और रात सब काम में तकड़ा हो। नहीं नहीं, काम तो अपनी जगह है ना, मगर पाकिस्तान में एक मर्द और औरत बगैर शादी के थोड़ी कर कुछ कर सकते हैं, पहली बात तो ये, राइट, क्योंकि वो फिर गुनाह हो जाता है, जिना हो जाता है, गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते आप, हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएगा 2000 में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ही है ना। तो हमारे बेचारे वो बंदे आए थे, वो कहते मैं अल्लाह को याद करता हूँ जब मुझे जवानी चढ़ती है, 28 साल हो गए वो माशाल्लाह, यू नो, वो उस बेचारे का काम नहीं कर रहा, तो फिर नहीं काम क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा, कैसे करेगा आपको कैसे पता, जो ये पाकिस्तान में ये जो मर्दाना कमजोरी के इतने इश्तेहारात क्यों आते हैं मुझे बताइए। वो किसी किसी में होता है ना, मगर आजकल के जो मर्द है ना वो माशाल्लाह तकड़े हैं, पहले से बहुत तकड़े। आपको कैसे पता, आपने ट्राई किया? बोलते
ऑफ कोर्स आपने वन ट्राई किया है मैं तो नथिंग रॉन्ग विद इट, मैं जज नहीं करती किसी को, लड़के पसंद हो लड़कियां पसंद नहीं, मगर आप लोगों ने, मगर आप लोग, अच्छा मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूँ, क्या दिखाएंगे, दिखाइए हम सबको दिखाएंगे, गाइस जल्दी जल्दी शेयर करो, ये क्या है बंदर, नहीं नहीं बकरी का बच्चा है, बकरी का बच्चा यार काम या मत दो, और तू भी बात कर, बकरी का बच्चा लेकर आ रहे, इसका क्या मतलब है नहीं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना, मैं पालता हूँ ना टाइम पास करना है ना, शादी तो ऐसे वो नहीं, टाइम पास करना है, बकरी के बच्चे नहीं, आप कह रहे हैं आप भी अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तगड़े हैं, मगर मैंने आपसे पूछा कैसे, आपने कहा मैंने ट्राई किए, कैसे ट्राई किया आपने, मैं कैसे, मुझे कितने कहते हो बिल्कुल, मैं भी आजकल कर लूं डाउन ना, तो इसलिए मुझे सब पता है, तो इसलिए मैंने अंकल की बातें सुन के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, मैंने कहा अंकल क्या कह रहे हैं, कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी, फिलहाल तो एक ही है, एक ही है, अब शादी करेंगे उससे, अभी तो फिट करना है ना अपने आपको, अच्छा फिट करना है, अच्छा कैसे फिट, फिजिकली फिट करना, फिट मतलब समझ रहे, फाइनेंशियली फिट करना है, मतलब जिम, नहीं जिम करना है, कुछ खाएं पिएंगे ना, अच्छा अच्छा फिर आप वो करेंगे, अच्छा खाने पीने से, आप सर पे खड़े होकर नहीं दिखाया अंकल जी, शादी हो जाए, अंकल की बात देखिए कॉम्पिटिशन हो रहा है, वो 65 के, मैं नहीं खड़े हो सकती अपने सर पे, मैं मानती हूँ मैं कमजोर हूँ, मगर वो 65 के वो बंदे खड़े हो गए अपने सर पे और यूं टांगे उन्होंने करके दिखाई, आप देखें आप मुझे 20-20s में लग रहे हैं, तो आप करके दिखाइए, कोशिश करके दिखाए, कोशिश करके दिखाए, सर पे खड़े होकर ऊपर टांगे, कैसे सवाल हो गया, तो यहाँ पर मोबाइल रखना होगा फिर करना पड़ेगा, हाँ तो क्या हुआ कर लेना, मोबाइल यहाँ रखिए दीवार के पास और फिर आप सर पे खड़े हो जाइए, अंकल ने देखो बेड पे करके दिखा दिया था, अंकल तो बेवकूफ, मैं तो आपके आपके मतलब बात फिर सही हुई ना, देखिए उनकी बात तो फिर सही हुई ना, क्या मेरे से यंग लड़के नहीं वो नहीं कर सकते जो वो करके दे चले गए यार, 65 के तो मेरे तो आंख खुले, मैं जिम में जाता हूँ तो अपनी बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बनाना, बॉडी बनाना और स्ट्रॉन्ग होना ना बहुत दो डिफरेंट चीज है, अब जैसे कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर जाते हैं मसल बना के आ जाते हैं, उनसे तो जरा दो बैग उठा लो, नहीं मेरी कमर पे दर्द हो रहा है, तो बॉडी किसी बनाई, कमर में दर्द नहीं होता है, वो बेवकूफ होता है जो बोलते हैं, खड़े होके दिखाओ ना यार, चलो सब लोग 900 लोग 1000 लोग वेट कर रहे हैं आपका, आप सर पे खड़े होके दिखाएं ताकि अंकल को रॉन्ग प्रूव करें, आप नीचे वन टाइप करो जो जो इनको सर के बल खड़े होने का देखा जाता है, आरिफ आसिफ खान कह रहे हैं मेरी, हाँ वन टाइप कीजिए जल्दी जल्दी, देखो कितने वन आते हैं, कहेंगे आप सर के बल खड़े हो, चलो करके दिखा दो अंकल जी, मैं अपना बॉडी हिला सकता हूँ, अपनी बॉडी हिला सकता हूँ, ये देखो बॉडी हिला सकता हूँ तेरे लिए, बस बॉडी हिला और मुझसे कुछ नहीं करवाना, दोनों हाथ करवा दूंगा, ये चीजें शशके वशके थोड़ी काम होंगे, मुझे कोई गुंडा आता है मेरी तो फ्रेंड को मुझे, आप करके देखो, आप नहीं नहीं मैं इन नहीं रहा ये देखो खुद चेक कर रहा हूँ, मैं इलता नहीं हूँ, आप कर लो ट्राई करके दिखाओ, मैं इलता नहीं, ट्राई करके दिखाओ, चलो 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 नहीं चलो चलो सर के बल, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं बेवकूफ फॉलो काम नहीं करूंगा, बेवकूफी का काम थोड़ी, वो तो दिखा रही हूँ कितने फिट है, हर कोई नहीं कर सकता ना, एंड ही 65 एंड ही सो फिट, आपकी क्या एज है, 20 साल के आप, अंकल देखो क्या यार, देखो वाह व्हाट अ लेवल, आई हैव टू क्लैप फॉर अंकल, अंकल जी ने जो करा वो मैं भी नहीं कर सकती हूँ, जाहिर जी नहीं ठुस हो गए, आपके मसल्स हैं आप वो हिला सकते हैं, मगर उससे आपकी ना वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं शो करती, वो सिर्फ आपकी एक खूबसूरती दिखा देती है इम्प्रेस करने के लिए, मैं हड्डियां तोड़ता हूँ, बस किसकी हड्डियां तोड़ सकता हूँ, देखिए मुर्गी की हड्डियां जो आप खाते हैं उनको तोड़ना काउंट नहीं करता, ठीक है मुर्गी हड्डियां तोड़ता हूँ
उसकी बात तो नहीं कर रहे हम। नहीं नहीं आप दोनों जैसे शल्ड पे ना क्या चीज? यस हाँ आपने वो एक कलर एक पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है? बनियान। हम दोनों का एक कलर है। हाँ, दोनों एक कलर का है ना। बनियान पहना है। ये भी बहुत पुराना बनियान है मगर ऐसे ऐसे लगता है कि मैंने कुछ पहना ही नहीं है। ये कपड़ा इतना सॉफ्ट सॉफ्ट है ना। चलो मैं तो अच्छा शायद की दिला देता हूँ कुछ दिला देता और लोगों को भी मुझे एक्सरसाइज करवानी है। ठीक है बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंकल का और आपका मुकाबला अभी जारी है। मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी चल फिर आपको मिल कर चले। ओके अच्छा चल ठीक है ओके अल्लाह देखो शाही जी कंप्लेन करने आए थे मगर उन्होंने अपने सर के बालों खड़े नहीं मैं करके देखूंगी तो मेरी तो कमर तो वैसे ही दुख रही होती है राइट। सो सपोर्ट की जरूरत है आप पेट्रियन ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।